अभी फिलहाल रिसेंटली मेरा हरियाणा पुलिस में हुआ है। बेस्ट से बेस्ट, हर कोई टीचर है अपने सब्जेक्ट में बेस्ट है यहाँ। जो क्वालिटी आती है ना वो एकदम बेस्ट क्वालिटी आती है, ऐसे नहीं भी कोई ऐसे ही आ गया मुंह उठा के और पढ़ाने लगे, वो बड़ी बात है। इस सेंटर का बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर सर, हमारे को हमारे माता पिता जैसे प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा फोकसली पढ़ाते हैं, टेस्ट सीरीज चलती है, सब बहुत अच्छे तरीके से रोज़ रेगुलरली। सर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि टीचर मतलब फ्रेंडली करवाते हैं अच्छे से, जो चीज़ होती है वो डाउट क्लियर होता है हमारा अच्छे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार, मैं हूं एलडी स्वामी और आज का जो हमारा टॉपिक है नया वीडियो ब्लॉग। जैसे आपने पीछे ब्लॉग देखे, आज का जो हमारा ब्लॉग है वो कुलदीप ढिल्लो, इस व्यक्ति को जानने के लिए है, ऐसा क्या है ये व्यक्ति, कैसे पढ़ाता है और पिछले 5-6 साल से यहां इलाहाबाद में 200 के करीब बच्चों को सरकारी नौकरी दिला चुके हैं और आज हम इन कुलदीप ढिल्लो से मिलने के लिए ये वीडियो शूट कर रहे हैं। हम पूरा आपको दिखाएंगे किस तरह इनका पढ़ाने का तरीका है और किस तरह ये तैयारी करवाते हैं और इनके पास ऐसे क्या टीचर्स की टीम है जो इतने बच्चों को सिलेक्शन करवा रहे हैं। जी हाँ, आज के समय में जो महंगाई का दौर है, इसमें अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो आपकी जो जीवन है वो काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि बेरोज़गारी भी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन कुलदीप ढिल्लो है जो बार बार दावा करते हैं कि हमारे सेंटर में आने के बाद हम आपको गारंटेड सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। तो ये इनकी ऐसा दावा किस तरह करते हैं, किस तरह इनकी तैयारियां करवाते हैं, ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे और क्लासरूम भी आपको दिखाएंगे, बच्चों से भी अब बात करेंगे, टीचर्स की टीम भी आपको हम दिखाएंगे, आपको अंदर लेके चलते हैं। सबसे पहले हम आपको कुलदीप ढिल्लो से ही मिला देते हैं, उनका क्या कहना है। अभी प्लस टू के एग्ज़ाम हुए हैं और नई भर्तियां हरियाणा में आने वाली है, तो किस तरह बच्चा जो है वो तैयारी करे ताकि जल्दी से जल्दी वो सरकारी नौकरी पास के, इसी चर्चा को लेकर हम आज कुलदीप ढिल्लो से मिलने जा रहे हैं। आपको अंदर ऑफिस में लेके चलते हैं, चलिए हमारे साथ। हम बातचीत के लिए सर के पास जा रहे हैं तो इनसे हम बात करेंगे। सर, हमने सुना है कि यहाँ पर जो भी बच्चा पढ़ने आता है आप गारंटी से उनको सरकारी नौकरी दिला सकते हैं, ऐसी क्या तैयारी आप करवाते हैं ताकि जल्दी सफल हो जाए। हम बच्चे को सर, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सबसे पहले बच्चों को हम मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, बढ़िया ढंग से पढ़ाया जाता है, टीचर उसके सामने खड़ता है, ऑफलाइन तैयारी करवाई जाती है और ऑफलाइन के अंदर टीचर जब सामने खड़ता है तो उसका बच्चों को बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, यदि बच्चा टीचर सामने खड़ा है तो क्वेश्चन भी वगैरह पुट कर सकता है। ठीक है, इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे मान लो मैं राजस्थान से विलोम करता हूँ तो हमारे राजस्थान के अंदर बच्चा लगभग ऑफलाइन के बारे में ही सोचता है कि ऑफलाइन ही मेरे को पढ़ना है। सर, हमारा सवाल ये था कि आप राजस्थान से आकर इलाहाबाद में शिक्षा की अलग जगा रही हैं और बच्चों को सफलता दिलवा रहे हैं, इसके पीछे आपकी मंशा क्या हो सकती है, व्यापार करना है या फिर कुछ और? नहीं सर, मतलब व्यापार करना नहीं है इसके अंदर, ये बात है कि मान लो मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा भी खुद का साथ साथ स्ट्रगल बढ़िया हो रहा है। ठीक है, मेरी मेहनत खुद की रंग ला रही है और मेरे काफ़ी स्टूडेंट मेरे जॉब के अंदर भी लग रहे हैं। कितने स्टूडेंट अब तक लगे, कितने टाइम से आप कोचिंग करवा रहे हैं यहाँ पर इलाहाबाद में और कितने स्टूडेंट आपने अभी तक जिनको सफलता मिली है? सर 6.5 साल हो गए मेरे को इलाहाबाद के अंदर। ठीक है, और 150+ मैंने सिलेक्शन दे दिए हैं और सबसे बड़ी पोस्ट पर मेरी स्टूडेंट है रवीना सोनी जो इलाहाबाद की है, EPF में सिलेक्ट हुई है। ठीक है, गुड़गांव के अंदर इस टाइम जॉब कर रही है। लेकिन हम इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ का जो क्षेत्र है काफ़ी रूरल क्षेत्र है और यहाँ पर मैथ और इंग्लिश में ज़्यादा पकड़ स्टूडेंट्स की नहीं है, तो इसको लेकर आप किस तरह की तैयारी करवाते हैं? सर जैसे मैथ की बात करता हूँ, इस सेंटर में मेरे को 6.5 साल हो गए, मैं मैथ स्टार्टिंग से मैं ही करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे मैथ करवाते हैं तो बिना फॉर्मूला और बिना एक्स से बच्चों को मैथ करवाया जाता है। ठीक है, और ये इस बात की मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यदि बच्चा ठीक है 2 बार मैथ इस सेंटर से कर ले, उसके बाद उसको ठीक है अदर मतलब कहीं भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है मैथ के अंदर। ठीक है, इंग्लिश है जो स्टार्टिंग से 6.5 साल से यहाँ पे अनिल सर टीच करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया मान लो टैलेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो।
ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है। सर जैसे मान लो हमारा डेली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, शनिवार के शनिवार हमारा टेस्ट होता है, डेली बच्चे का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिया जाता है। उससे क्या होता है, जब टेस्ट देता है बच्चे तो उसको अपने को पता लगता है कि मान लो मेरे को कितना आने लग गया। बाई चांस मान लो यदि बच्चे को नहीं भी आता तो वो जब मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर ये मेरे को बताओ आप, तो बताया जाता है बच्चे को। ये भी नहीं है कि जो सेंटर की बुकलेट है वही करवा दी जाती है, बच्चा अदर भी कहीं से भी क्वेश्चन पुट कर लेता है तो टीचर उसका सोल्यूशन देते हैं उसको। बाकी रह गई जैसे मान लो कंप्यूटर की बात, तो कंप्यूटर ही बच्चे को हम मतलब 12 नंबर का अपने हरियाणा के अंदर आता है तो वो भी हम उसकी भी क्लासें देते हैं, ठीक है। उसके अंदर मतलब बढ़िया बच्चे को समझाया जाता है कि इस तरीके से ये चीज़ आती है, क्योंकि मोस्टली ये कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि मान लो ठीक है बच्चों को नहीं करवाया जाता, लेकिन इस सेंटर में हमारे सेंटर में जैसे हम कंप्यूटर बच्चों को करवाते हैं। आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा और इसके बाद मैं आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि सच्चाई तो वही बताएंगे किस तरह पढ़ा रहे हैं, इनके जो टीचर्स हैं वो किस तरह के हैं और प्रिपरेशन किस तरह की करवाई जा रही है। सर ने बताया है उसको हम पुष्टि करेंगे स्टूडेंट्स से, उनका फीडबैक लेंगे किस तरह से पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात भी हम आपको सुनाएंगे। आपसे मैं आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ कि 100% बच्चे सरकारी नौकरी में नहीं जा पाते, आपके पास भी अगर 500 स्टूडेंट है तो उसमें से सारे नहीं जा पाते, तो बाकियों के लिए और जो काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं और उनका हुआ नहीं है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहूँगा जैसे बच्चा एग्ज़ाम देता है तो नर्वस हो जाता है कि मेरा हुआ नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं तैयारी छोड़ दूँ, तो मैं सभी स्टूडेंट को यही बोलूँगा कि अपनी मतलब तैयारी स्टार्ट रखो। जैसे मतलब CET का एग्ज़ाम है वो लेट पे लेट होता जा रहा है, ठीक है, तो बच्चों को तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए, परमानेंट अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चा एक बार फेल होता है, दो बार होता है, तीन बार, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चों को सफलता मिल ही जाती है, ठीक है। बच्चों को तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी लगे रहना चाहिए, यदि लगा रहेगा तो सिलेक्शन भी श्योर होगा उसका। दीप जी ने ये बहुत बड़ी बात कही है कि जो संघर्ष है और जो अभ्यास है वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, कामयाबी आपको एक दिन मिलेगी ही मिलेगी। हम आपको लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स के पास जिनसे हम बातचीत करेंगे और इस सरस्वती न्यू सरस्वती कोचिंग सेंटर्स के जो टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, जो मैनेजमेंट है, इनके बारे में हम फीडबैक लेंगे किस तरह की तैयारी करवाई जा रही है। चलिए आपको हम स्टूडेंट से मिलवाते हैं। जो बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनको उनके साथ मिलवाने के लिए हम आपको क्लासरूम में लेके जाने ही वाले थे कि क्लास में क्लास चल रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमने कुछ बच्चों को जो है बाहर ही बुलाया, इनसे हम बातचीत करते हैं। जी किस तरह की तैयारी करवाई? सर बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है यहाँ पे, लोकल ही हैं जी हम। हाँ जी, मुझे 10 महीने हो गए यहाँ पे करते हुए। काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पे, क्या नाम है, जो भी हमें डाउट होता है वो सब क्लियर करवाया जाए, 1-to-1 हमें टॉपिक यहाँ पे करवाए जाते हैं। डाउट तो हर जगह ही क्लियर करवाए जाते हैं, आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन इसमें खास करवाए जाते हैं, खास ये है कि यहाँ पे हमें ट्रिक वाइज या प्रॉपर मेथड वाइज सब कुछ करवाया जाता है यहाँ पे हमें। आपका क्या नाम है? दिव्या। कितने टाइम से कर रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल से कर रहे हैं। जी। कितने एग्जाम आपने दिए? एग्जाम तो 3-4 दे दिए। क्या लगता है? अब तो काफ़ी अच्छी तैयारी होगी, तो अब कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा, वरना क्वालिफाई हो ही जाता, क्योंकि अच्छे तरीके से तैयारी हो रही थी। सर भी बहुत ज़्यादा फोकसली पढ़ाते हैं, टेस्ट सीरीज चलती है, सब बहुत अच्छे तरीके से रोज़ रेगुलरली सुनते हैं, तो काफ़ी अच्छे बच्चे तो तैयार है सरकारी नौकरी लगने के लिए, लेकिन सरकार ही इस टाइम भर्तियाँ नहीं। इस सेंटर का बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर सर, हमारे को हमारे माता पिता जैसे प्यार करते हैं और हमारे को बहुत अच्छा गाइड करते हैं, और हमारा यहाँ पे ध्यान भी है बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है। क्या लगता है आपको? यस सर। आपको भी लगता है सर? सेम सर। आप कहाँ से हो? किशनपुरा। किशनपुरा से। हाँ जी। मेरा एक बैच कंप्लीट हुआ है, एक बैच। हाँ जी। एग्जाम दिया आपने? फर्स्ट टाइम ही। यहाँ पे मतलब स्पेशल ऐसा क्या है कि आपको कुछ सब्जेक्ट जैसे होते हैं कि वो टीचर अच्छे हैं, ऐसा क्या है? सर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि टीचर मतलब फ्रेंडली करवाते हैं अच्छे से, जो चीज़ होती है वो डाउट क्लियर होता है हमारा अच्छे से, बस और इसी टाइप से है सर। कॉन्फिडेंस है कि क्लियर कर पाओगे? यस सर, व्हाई नॉट। भर्तियाँ हैं आगे तो? सर वैसे तो इंडियन आर्मी का एम है मेरा, तो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तो निकल ही नहीं रही है। जैसे इस बहन ने बताया कि इंडियन आर्मी की पोस्टें नहीं निकली, लेकिन तैयारी इनकी फुल है, सरकारी नौकरी में जाने के लिए स्टूडेंट्स तैयार है, लेकिन जब भर्तियां निकलेगी तो सरस्वती न्यू सरस्वती कोचिंग सेंटर्स का जलवा जो है सरकारी भर्तियों में इलाहाबाद की तरफ से जलवा रहेगा, ऐसा दावा कुलदीप सर ने किया है। हमारे साथ वो स्टूडेंट भी है जो पीछे पढ़कर यहां से सिलेक्शन मतलब सफलता उन्होंने प्राप्त की है, वो स्टूडेंट भी राजकुमार। हाँ जी, किशनपुरा से।
हाँ जी। आप कौन से जॉब में? अभी फिलहाल रिसेंटली मेरा हरियाणा पुलिस में हुआ है और मैं यहाँ पे तकरीबन 4 महीने तक मैं तैयारी की थी यहाँ पे, उसके बाद लॉकडाउन लगा, उसके बाद सेल्फ स्टडी की थोड़ी बहुत, उसके बाद मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुआ था। हाँ जी। मतलब सिर्फ 4 महीने ही आपने यहाँ सेंटर में तैयारी की और आपने हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन पा लिया, ऐसा क्या पढ़ाते हैं, रट्टा करवाते हैं? रट्टाफिकेशन वाली कोई बात नहीं है, जैसे मतलब स्टूडेंट को ये मायने नहीं रखता वो कितना पढ़ रहा है, ये मायने रखता भी क्या पढ़ रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे कुछ खास है जो इसको अलग सेंटर बनाती है सबसे। और भी आप और भी साथी को लगा है इसमें सिलेक्शन हुआ जी? आपका क्या नाम है? सुशील कुमार। आप कहाँ से? नीमला से। नीमला से। हाँ जी। कौन सी है जॉब में आप लगे हैं? मेरा हरियाणा पुलिस का वो पेपर एग्जाम और फिजिकल क्लियर और रिजल्ट की वेट है। रिजल्ट की वेट है अभी? हाँ। तो आपने कितने टाइम इसको लिया? ये मेरे यहाँ पर 1.5 साल हो गया वैसे, पर पीछे कोरोना काल के कारण एग्जाम नहीं हुए तो ये पहला एग्जाम है। एक स्टूडेंट और है, क्या नाम? अजय कुमार। आप कहाँ से? बेरवाड़ा से। हाँ जी। मेरे को सेकेंड बैच है जी, अब की बारी है। हाँ जी। क्या लगता है? अब की बार हो जाएगा जी, सीईटी तो क्लियर कर देंगे जी, आराम से, पूरा कॉन्फिडेंस है। उनको सर ऐसे ये भी अगर यहाँ पे आकर तैयारी करते हैं ना तो फर्स्ट या सेकंड बैच में क्लियर कर देंगे वो, अगर ढंग से तैयारी करने वाला है तो, वरना तो क्या कह सकते हैं उनके। हाँ जी, इतना कॉन्फिडेंस है, स्टाफ ही ऐसा है जी यहाँ पे। आपको कोई फीस वगैरह में छूट दे रखी है? मतलब ही नहीं है जी, झूठ तो 1% ही नहीं करते जी। हाँ, 1% भी नहीं करते जी, पूरी जितनी बता दी उतनी फीस और उतनी का ही जी इनका काम है, उतनी पढ़ाई है। रूटीन बढ़िया है जी। हाँ, टेस्ट सर जैसे अगर बोल दिया तो टेस्ट वो होगा, अगर कोई टीचर बाय चांस नहीं आए तो वो अलग बात है, बाकी टेस्ट वगैरह बढ़िया होते हैं जी। टीचर्स की टीम की बात करें तो टीचर्स की टीम कैसी है, किस तरह, मतलब कितने टीम है? टीम तो जी जैसे कुछ नए टीचर भी आते हैं, पुराने वाले हैं वो सब बढ़िया हैं जी, और जो क्वालिटी आती है ना वो एकदम बेस्ट क्वालिटी आती है, ऐसे नहीं भी कोई ऐसे ही आ गया मुंह उठा के और पढ़ाने लग गया, वो वाली बात नहीं है भी, एकदम बढ़िया काम है। हमारे साथ वीरपाल मैडम हैं, इनसे हम जानते हैं। मैम, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि भर्तियाँ निकलेगी तो हम पढ़ने लगेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि भर्तियाँ आएंगी, आप अपनी तैयारी जारी रखिए, जब तक हो सके तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए, बस आप कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं यहाँ पे मैथ्स टीच करता हूँ और ई समाचार न्यूज़ चैनल का मैं काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर आए और यहाँ पर हमारे सरस्वती कोचिंग सेंटर को दिखाया, जितने भी स्टाफ मेम्बर हैं उनके बारे में अच्छे से इन्होंने रिपोर्ट करी, और आगे भी मैं काफ़ी ज़्यादा इनके ग्रो के, चैनल के ग्रो के लिए कामना करूँगा। थैंक यू।